भोपाल में आज से G20 के तहत थिंक 20 की दो दिवसीय बैठक का आगाज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया। बैठक का उद्घाटन क्लाइमेट चेंज, एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर होगा मंथन। दिल्ली में आज से बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यसमिति की दो दिवसीय बैठक शुरू। शाम 4 बजे बीजेपी अध्यक्ष इस बैठक को संबोधित करेंगे। 17 जनवरी को पीएम मोदी एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक को संबोधित करेंगे। बैठक में 35 केंद्रीय मंत्री, 12 मुख्यमंत्री, 5 उप मुख्यमंत्री, 19 पूर्व मुख्यमंत्री सहित 350 कार्यकर्ता शामिल होंगे। पीएम मोदी आज दिल्ली में एक रोड शो करेंगे। ये रोड शो दोपहर 3 बजे पटेल चौक से शुरू होकर संसद मार्ग तक जाएगा। पीएम मोदी के रोड शो को लेकर दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। अशोका रोड, संसद मार्ग, टोलस्टॉय रोड, रफी मार्ग, जंतर मंतर रोड, इम्तियाज खान मार्ग और बंगला साहिब लेन दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेगी। दिल्ली में दो दिनों तक चलने वाली राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत एमपी के 15 नेता शामिल हैं। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी शामिल हैं। रायपुर में मुख्यमंत्री निवास में सीएम बघेल की अहम बैठक। शाम 5 बजे छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद की लेंगे बैठक। बैठक के बाद दुर्ग दौरे पर रवाना होंगे सीएम भूपेश बघेल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मनावर से धार जा रहे थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हेलीकॉप्टर से धार के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई जिसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। पहाड़ों में बर्फबारी से बढ़ी एमपी में ठंड। पिछले 48 घंटों में 6 डिग्री तक लुढ़का पारा। राजगढ़ में तापमान सबसे कम। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र दतिया पहुंचे और राजघाट कॉलोनी स्थित निवास पर नागरिकों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को समस्या निराकरण के निर्देश दिए। जबलपुर में सांसद